केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। संकल्प यात्रा के प्रथम चरण के समापन के बाद भाजपा जिला अध्यक्ष रामदरस यादव और साथ ही अन्य कार्यकर्ताओं से केलांचल टाइम्स की टीम ने खास बातचीत की। देखिए इस खास रिपोर्ट में। झारखंड में बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के संकल्प यात्रा का आज पहले चरण का अंतिम दिन है, जो कि पाकुड़ विधानसभा, एक ऐसा विधानसभा जहां से ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम आते हैं, और उस विधानसभा में इनका आज पहले चरण का अंतिम यात्रा होना है शाम 1 घंटे के बाद। और यहां से साहेबगंज जिला के जिलाध्यक्ष रामदरस यादव जी हमारे साथ हैं और भी लोग, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी उनके साथ हैं। जानने की कोशिश करेंगे, पहले भी राजमहल विधानसभा और बोरियो विधानसभा बरहेट का कार्यक्रम रहा है और आज अंतिम पड़ाव है पाकुड़ विधानसभा का, कैसा रहा यहाँ? पाकुड़ विधानसभा का माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आज महेशपुर विधानसभा में उनकी जनसभा हुई, अभी लिट्टीपाड़ा विधानसभा में उनकी सभा चल रही है और पाकुड़ विधानसभा का आज बरहरवा में उनका सभा का पूरी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर आज 3-4 दिनों से लगे हैं और आने का उनका तांता लगा हुआ है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को अपने स्वागत के लिए यहाँ इंतजार कर रहे हैं। अभी जो पहले भी आपके राजमहल में, बोरियो में, बरहेट में सभाएं हुई और आज यहाँ पर सभाएं हैं, इस सभा को और भीड़ को देखने के बाद क्या ऐसा प्रतीत है? जब से नवनियुक्त हमारे प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी और प्रदेश अध्यक्ष जी का हुआ है, तब से पूरे झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जितने भी पुराने से पुराने कार्यकर्ता हैं, जहां भी ठहरते हैं उनसे मिलने के लिए, और सभी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता कार्यकर्ता, प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर के जो भी साहेबगंज जिले में राजमहल लोकसभा में निवास करने वाले हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जगह जगह पर रोक रोक करके जिस राह से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का यात्रा होता है वहाँ उनको स्वागत के लिए जनसैलाब रोड पर दिखाई देता है। क्या लगता है, आप भी भाजपा के पुराने नेताओं में से एक हैं, विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए रहे हैं, ये जनसैलाब क्या दिखाता है, झारखंड बदलाव की ओर? निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का ये संकल्प यात्रा झारखंड के संथाल परगना के अपने सिद्धू कानू की भूमि से प्रारंभ हुआ है। सिद्धू कानू जो कि हम जानते हैं कि आज़ादी के नायक रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि झारखंड जो अपने 4 वर्षों में विगत हेमंत सोरेन की सरकार है, निकम्मी सरकार है, उसको उखाड़ फेंकने का संकल्प बाबूलाल मरांडी ने लिया है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि झारखंड के पूरे पूरे लोकसभा और विधानसभा में हम अच्छी बढ़त लेंगे, अच्छी जीत हासिल करेंगे, अच्छी जी बढ़त लेंगे। क्या लगता है पाकुड़ विधानसभा में बदलाव होने की उम्मीद? पाकुड़ विधानसभा पहले भी भारतीय जनता पार्टी जीती है और इस बार पूर्ण विश्वास है, जिस तरह से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जन में जो ये भ्रष्ट और अराजक सरकार के खिलाफ जो आवाज़ बुलंद हुआ है, इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पाकुड़ विधानसभा चुनाव जीतेगी और राज्य में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। ये उत्साह क्या दर्शाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस संकल्प यात्रा में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने सिद्धू कानू की धरती को नमन कर यह यात्रा प्रारंभ की है और साहेबगंज जिले के तीनों विधानसभा में जो जिस तरह से कार्यकर्ताओं और आम जन का सहयोग मिला है और जो भीड़ जुट रही है उसको देखकर ये लगता है कि आज निकम्मी सरकार को निश्चित रूप से हम लोग उखाड़ फेंकेंगे और जब तक इस सरकार को अपदस्थ नहीं किया जाएगा तब तक भारतीय जनता पार्टी निरंतर जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करती रहेगी। क्या लग रहा है सर आपको, भीड़ बरहरवा का भीड़ ये बता रही है कि यहाँ की जनता त्रस्त है वर्तमान सरकार से। ये झारखंड एक खनिज संपदा से भरा पूरा प्रदेश है और यहाँ के लोगों को ये वर्तमान सरकार ने गरीब, बेबस और अशिक्षित, लाचार, भ्रष्टाचार के दलदल में धकेल दिया है। इस बात को यहाँ की जनता भलीभांति जान चुकी है, इसलिए निश्चित रूप से इस बार बदलाव लाना चाहती है और निश्चय आगे वाला दिन में बदलाव होगा। ये भीड़
सिद्धू कानू की धरती से जो यात्रा बाबूलाल मरांडी ने शुरुआत की है और ये जो भीड़ देखने को मिल रहा है उनके यात्रा में, ये भीड़ जरूर ये दिखाता है कि इस बार झारखंड में बदलाव होगा और लूटने वाली सरकार का अंत होगा, क्योंकि जो ये भीड़ है या जो लोग आ रहे हैं सबका और कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक है और सभी कार्यकर्ता एक मत में यही कह रहे हैं इस बार झारखंड में लूटने वाली सरकार का अंत करके ही भारतीय जनता पार्टी मानेगी। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे कीलांचल टाइम्स। कीलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।